हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर बच्चा। आज हम बात करेंगे आरडी शर्मा क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 एग्जांपल की। वीडियो आपको मिल गया होगा, नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। आपके पास दो पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स है, क्या होते हैं भाई ये? मैंने कहा देखो भाई, पॉजिटिव का मतलब तो पता ही है, इंटीजर क्या होते हैं? मान लो इंटीजर होते हैं आपके 1, 2, 3, 4, ऐसे ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कॉन्जुगेटिव का मतलब ये कि 3 और 4 आपस में कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसमें से छोटा 3 है और बड़ा 4 है। अगर आप छोटे वाले को x लेते हो तो बड़े वाला कैसे आएगा? इसी की फॉर्म में, x की फॉर्म में। तो आपने कहा 3 से 4 कैसे आया? प्लस 1 करने से आया। तो सिमिलरली x के बाद में इसको मैं x प्लस 1 लिख सकता हूं। ओके, तो आप जब भी कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स लेट करेंगे तो एक को x ले लो छोटे वाले को, और बड़े वाला क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 1। तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि छोटे वाला x माइनस 1 है तो बड़े वाला x है, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है ना। अब हमें क्या लेट करना है वो पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे। कह रहा है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द इंटीजर्स इफ x डिनोट्स द स्मॉलर इंटीजर। छोटे वाले इंटीजर को x बोला है तो इससे बड़े वाला कौन होगा भाई? x प्लस 1। अब तुम कहोगे सर कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि x और x माइनस 1 की बात कर रहा है। मैंने कहा भाई इन दोनों में छोटा कौन है? x माइनस 1 है। तो वो कह रहा है कि साहब x लेना है छोटा, तो क्या सर मैं x और x माइनस 1 को नहीं ले सकता? मैंने कहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो नहीं ले सकते, यहां पे तुम्हें x और x प्लस 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि x लेते हो और x माइनस 1 लेते हो। हाँ ऑब्वियसली दोनों कॉन्जुगेटिव हैं, बट बेटा छोटा ये है और क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे वाला कौन है? x लेना है आपको, ठीक है भाई, क्लियर हो रही है बात? चलो फिर अब देखो, मैं डायरेक्ट तुम्हें ऐसे नहीं कि आप x लेके कर दो, समझेंगे क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक समझते हैं, जिससे वर्ड प्रॉब्लम्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और लंबे समय तक चीजें याद रहती है। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लेंगे? लेट करेंगे लेट स्मॉलर इंटीजर इज एक्स, देन अनोदर, या कॉन्जुगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं, अनोदर बोल रहा हूं मैं एक बार के लिए, तो अनोदर इंटीजर इज एक्स प्लस 1। ओके, क्या ये बात क्लियर है? अरे यार समझ में आया क्या? ठीक है, नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 306 है, तो ये अनोदर इंटीजर या स्मॉलर इंटीजर जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो मैंने कहा x का और x प्लस 1 का प्रोडक्ट क्या दे रखा है भाई? 306 दे रखा है। मल्टीप्लाई कर लो, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर होगा, फिर x को प्लस 1 से करोगे तो प्लस x हो जाएगा इक्वल 306। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 306 को LHS में ले आओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल में 0। दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो x की जो वैल्यू आती है वो आपका स्मॉल इंटीजर होगा, और x प्लस 1 करोगे तो आपको उसके जस्ट आगे वाला इंटीजर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2। जोन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जोन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं। ओके, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। मतलब दोनों 5-5 मार्बल लॉस कर देते हैं। भाई जोन के पास और जीवंती के पास कितने मार्बल है ये तुम्हें नहीं पता, बट तुम्हें ये पता है कि इन दोनों के मार्बल्स का सम करोगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। अब दोनों ने, इसने भी माइनस 5 कर लिया, इसने भी माइनस 5 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो उसमें से माइनस 5 करके यहाँ लिख लेते, बट अभी तो पता नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। 5 मार्बल्स लॉस करने के पास इसके पास जितने मार्बल बचे वो, सिमिलरली इसने भी 5 मार्बल लॉस कर दिए तो इसके पास जितने मार्बल बचे वो, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है तुम्हारे को? 124। ओके, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। कितने मार्बल से उन दोनों ने स्टार्ट किया था वो वाले मार्बल्स के नंबर बताइए। इफ जोन हैड एक्स मार्बल्स, अगर जोन के पास एक्स मार्बल है तो, देखो इस क्वेश्चन में अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तब तुम जोन के पास एक्स लेट कर सकते थे, जीवंती के पास भी एक्स लेट कर सकते थे, दोनों में से किसी एक को लेट कर सकते थे, बट ये लाइन गिवन है इसका मतलब हमें जोन के पास एक्स मार्बल लेट करने पड़ेंगे। तो आप देखो मैं कह रहा हूं बच्चा, सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लिखोगे लेट जोन हैव नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल में एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जोन प्लस जीवंती दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं? इक्वल में 45 मार्बल हैं। मुझे पता है जोन के पास कितने? एक्स है,
प्लस जीवंती के पास कितने मार्बल है मुझे नहीं पता, नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है वो आई डोंट नो, इक्वल 45। तो इस एक्स को मैं उधर भेज दूं तो मुझे पता चल जाएगा जीवंती के पास कितने मार्बल है। सर ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई, समझाओ। मैंने कहा भाई मैं कह रहा हूँ जोन के पास एक्स मार्बल है और मुझे पता है इन दोनों के मार्बल्स का सम 45 है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? तो आप हो गए सर एक्स माइनस 45, 45 माइनस एक्स, नॉर्मल सा लॉजिक है। अब एक्स की फॉर्म में अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो इसका सीधा सा मतलब ये, मैंने कहा कि तेरे पास और तेरे दोस्त के पास 45 मार्बल है, ठीक है भाई इतनी बात पर मैं आ रही, तुम्हारे पास और तुम्हारे दोस्त के पास दोनों को मिला के 45 मार्बल्स है। अब एक्स की जगह मैं कोई नंबर ले लेता हूँ कि तुम्हारे पास 20 मार्बल्स हैं, तो बताओ तुम्हारे दोस्त के पास कितने हैं? तो आप कहोगे सर टोटल जो हमारे पास मार्बल्स का सम है उसमें से मेरे मार्बल्स को माइनस कर दो नंबर ऑफ मार्बल्स को, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। ये 25 कैसे आया? 45 में से 20 माइनस करने से। और ये 20 कौन है? ये तेरे पास जितने मार्बल थे बच्चा वो है। तो इसको मैं अगर एक्स बोलूँ तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 45 माइनस एक्स, वही वाला प्रोसेस है यहाँ पे। ओके आई थिंक ये बात समझ में आ गई, चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व करो आगे। अब वो कह रहा है कि सर हमें ये तो पता चल गया जोन और जीवंती के पास कितने मार्बल है, एक के पास एक्स मार्बल है जोन के पास और जीवंती के पास है 45 माइनस एक्स, क्या सर मैं यहाँ पे वाई नहीं ले सकता? मैंने कहा भाई लीनियर इक्वेशन नहीं बनानी है तुझे, क्वाड्रेटिक बनानी है, तो एक ही वेरिएबल में काम चलाना पड़ेगा। ओके नाउ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब यहां से आप मुझे बताओ जीवन जोन के पास कितने मार्बल है, नंबर ऑफ मार्बल्स जोन हैव, तो जोन के पास मार्बल है सर पहले तो एक्स थे, अभी उसमें से उसने 5 लॉस कर दी, और जीवंती के पास कितने मार्बल है? सर जीवंती के पास पहले 45 माइनस एक्स मार्बल थे, इसमें से उसने 5 लॉस कर दिए, तो माइनस 5 करोगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अभी जोन के पास इतने मार्बल है, जीवंती के पास इतने, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है साहब अभी जितने भी मार्बल उनके पास है नंबर ऑफ मार्बल्स उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 124 आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 124 के। क्या ये बात समझ में आ गई? सोल्व कर लो भाई। तो एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 से मल्टीप्लाई तो माइनस 5 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे 200 आएगा, माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा इक्वल में 124। ओके तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है और 40x प्लस 5x 45x प्लस के हैं, माइनस का 200 है और 124 इधर आया तो माइनस का 124 हो गया इक्वल में 0। बच्चा लोग कोई दिक्कत? ठीक है। नाउ अगर मैं इसको एक बार दोबारा लिख लेता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 145, नहीं 145 कहाँ, अरे अनूप सर 45 है बच्चा, प्लस 45। ओके 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 समझ में आ गया, प्लस 45x, इन दोनों का सम हो जाएगा तो ये हो जाएंगे माइनस के 324 इक्वल में 0। तुम चाहो तो एक्स स्क्वायर माइनस का नहीं रखना चाहते, माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 इक्वल में 0, माइनस साइन उधर भेज दो तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसको आप सोल्व करते हो तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो जोन के मार्बल्स को रिप्रेजेंट करेगी, और जो दूसरी वैल्यू क्या आएगी 45 माइनस एक्स, वो किसके मार्बल्स होंगे? जीवंती के। आई थिंक बात समझ में आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3। द हाइट ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री एंगल होता है, इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। अब इन दोनों में से किसी को एक बेस बोल दो, अभी ये जमीन पे रखा हुआ है इसके लिए मैं इसको बेस बोलता हूँ, और ये मेरी हाइट हो जाएगी। ओके ये हाइट है, ये बेस है, और ये मेरा हाइपोटेन्यूस है। आई थिंक इतनी बात तुम्हें पता होगी भाई। नाउ हाइट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब हाइट कब पता चलेगी? जब बेस पता चलेगा, उसमें से 7 सेंटीमीटर कम करोगे तो आप बेस को एक्स ले सकते हो, एक्स यूनिट एक्स सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी हो जाएगी तुम्हारी? एक्स माइनस 7। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके सर। और हाइपोटेन्यूस कितना गिवन है आपको? 13 सेंटीमीटर। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल। बेस पता करना है, अपने बेस को एक्स लेट कर रखा है तो एक्स की वैल्यू आएगी, वही बेस हो जाएगा। क्या सर हम हाइट को लेट नहीं कर सकते थे? मैंने कहा हाइट को अगर बच्चा लोग आप एक्स लेट करते हो तो बेस क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 7 हो जाएगा। ये भी बात सही है कि हाइट अगर बेस से 7 सेंटीमीटर छोटी है तो बेस जो है वो हाइट से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, बट हमें यहाँ पे कह रहा है बेस पता करो तो हम बेस को ही लेट कर लेते हैं।
जब भी लेट करो तो ये देखो कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड है, जिस पे डिपेंड है उसको लेट कर लो। मेरे को पता चला कि हाइट जो वो कह रहा है क्वेश्चन कि बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मैंने कहा बेस पता चल जाए तो हाइट पता चल जाएगी। ओके, तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लेट करेंगे, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज एक्स सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाइट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर। मैंने कहा क्या लगाऊं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने क्या कर सकते हैं। तो आपको याद आया कि सर एक पाइथागोरस थ्योरम होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा जरूर, तो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या लिख सकते हैं भाई, किसी को याद है क्या, कमेंट करके बता सकते हो। तो आप कहोगे सर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल, और इसको मैं हाइपोटेन्यूस लिख देता हूं क्योंकि हाइट लिखा हुआ है यहां पे, तो आप यहां पे लिखेंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल में बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, हाइट को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर इक्वल में बेस स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 7 स्क्वायर। देखो बेटा 13 का स्क्वायर होता है 169, सही है क्या, पक्का? अरे इतना ही होता है क्या, मेरे हिसाब से तो इतना ही होता है भाई, तुम्हारे हिसाब से कितना होता था बता देना मेरे को कमेंट करके। आपने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लगेगा ए माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है भाई ए माइनस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 2 × x × 7, तो 14x, 2 × 7 = 14 और x मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे देखो 169 को उधर ले जाना पड़ेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इक्वल में देखो 2x² हो जाएगा, ये तो माइनस का 14x है, प्लस का 49 है, माइनस का 169 है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2x² माइनस 14x, और इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, 169 में से 49 माइनस करना है, तो 9 में से 9 गया 0, 4 और 6 में से 4 गया 2, तो ये आ गया बच्चा माइनस का 120 इक्वल में 0। अभी इनमें से 2 कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x ब्रैकेट को लगा दिया भाई, माइनस का 60 इक्वल में 0, और इस 2 को डिवाइड में भेज दो तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते तो जो भी आपके पास x की वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू वही तुम्हारा क्या होगा, बेस होगा। ओके, क्लियर है सबको, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इसके अंदर छोटा सा। एक कोटेड कोटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, मेरे पास एक कोटेज इंडस्ट्री है और मैं उसके अंदर सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनाता हूं एक दिन के अंदर, मुझे नहीं पता कितने बनाता हूं। अब ये क्या कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक खिलौने की कॉस्ट क्या है, वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। इस बात का मतलब ये कि वन टॉय की कॉस्ट, वन टॉय की क्या कॉस्ट की बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है 55 में से माइनस करो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, एक दिन में कितने टॉय बना रहे हो उसको 55 में से माइनस कर दो। थोड़ी अटपटी सी बात है बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750, एक टॉय बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज बना रहे हो, तो एक टॉय बनाने में इतनी कॉस्ट लगेगी, कितने टॉय बना रहे हो, मान लो आप 15 टॉय बना रहे हो, 15 टॉयज बना रहे हो, तो आपको पता है कि सर एक टॉय बनाने में इतनी कॉस्ट लग रही है तो 15 टॉयज बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, तो 15 को मल्टीप्लाई कर दोगे इस ऊपर वाले से, क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है सर, अभी देखो एक्स में बात चलेगी इसलिए मैं आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि आपके पास जो कॉस्ट बन रही है वो कितनी होनी चाहिए 750। इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे, उस दिन कितने टॉय बने उस कंपनी में या इंडस्ट्री में उसको एक्स बोलोगे, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज को एक्स लिख लेते हैं, तो आपके पास एक टॉय की कॉस्ट कितनी आएगी 55 माइनस एक्स, आएगी कि नहीं आएगी, और आप कितने टॉय बना रहे हो एक्स टॉय बना रहे हो, तो एक्स टॉय की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक्स टॉय कॉस्ट कितनी हो जाएगी, समझो जल्दी से बताओ मेरे को। सर एक टॉय की कॉस्ट है 55 माइनस एक्स और हम बना रहे हैं एक्स टॉय, तो इंटू करेंगे एक्स,
ये हमारे अकॉर्डिंग कॉस्ट आएगी और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 750, तो दोनों को इक्वल रखेंगे, इक्वेशन बन गई सर। क्या बात समझ में आ गई? अब इसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझा दिया मैंने, रफली जरूर समझाऊंगा हर एक क्वेश्चन को क्योंकि जरूरी है। अब एक जैसे पैटर्न के आएंगे तब हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, और हमें कह रहा है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड एक्स। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इक्वल एक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, एक खिलौना बनाने की कॉस्ट क्या है, रुपीज 55 माइनस एक्स। देखो इसने कहा है ना, वॉज फाउंड 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, तो प्रोड्यूस इन ए डे एक्स टॉयज बना रहे हो तो 55 माइनस एक्स। अब हम यहां पे बोलेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स टॉयज, अगर एक्स खिलौने बनाने हैं तो उनकी कॉस्ट कितनी बनेगी उस दिन की। तो आपने कहा एक टॉय की कॉस्ट है रुपीज 55 माइनस एक्स, और मैंने एक्स टॉय बनाए हैं भाई, एक टॉय की मान लो कॉस्ट है 10 रुपए और तुमने उस दिन 50 खिलौने बनाए, तो कितनी कॉस्ट होगी, 15 × 10 होगी, यस और नो। तो इसी बात को मैं इस टर्म में लिख रहा हूं, तो क्या ऐसा लिख सकता हूं, रुपीज एक्स इंटू 55 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये जो कॉस्ट है कितनी है 750 है, तो आप लिखोगे x इंटू 55 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 750 होनी चाहिए, बस समझ में आ गया, तो क्वेश्चन हो गया, अदरवाइज टेंशन ही टेंशन है, ओके। तो आपने कहा देखो सर x से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 55x माइनस का x स्क्वायर इक्वल में 750। अब इसको ऐसा लिख सकते हो माइनस x स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल जीरो, माइनस साइन कॉमन करके लिख दोगे तो ऐसा हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 750 इक्वल में जीरो, और ये माइनस साइन उधर भेज दो तो आपके पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल जीरो, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर कोई छोटा मोटा डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चा लोग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, उसको मत भूला करो, ओके। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन, ओके ये स्पेलिंग गलत हो गई, एक मिनट रुको सही कर लेते हैं अपन, ओके भाई लोगों। अब क्या करेंगे सर, हो गई स्पेलिंग तो सही, नाउ क्या कह रहा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, मतलब मैसूर से बेंगलोर जाने में 2 ट्रेनें जा रही हैं, एक तो जा रही है एक्सप्रेस ट्रेन और एक जा रही है पैसेंजर ट्रेन, डिस्टेंस कितना है भाई 132 किलोमीटर। अब ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है और ये पैसेंजर ट्रेन है, इन दोनों में टाइम का डिफरेंस गिवन है, क्या गिवन है कि एक्सप्रेस ट्रेन जल्दी पहुंच रही है, पैसेंजर ट्रेन लेट पहुंच रही है, ठीक है साहब। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, ऑब्वियसली स्पीड की बात तो करेगा ही करेगा, टाइम की बात भी की है, तो स्पीड की बात इसने क्या किया है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 11 किलोमीटर पर आवर। ये नॉर्मली हम समझ रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन जल्दी पहुंच रही है तो स्पीड तो ज्यादा होगी, अब रिलेशन ज्यादा का दिया है, हो सकता है वो कभी आपको कोई क्वेश्चन मिले उसमें ऐसे कह दे कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन से इतनी कम है, ये भी याद रखना होता है, ठीक है। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड पता करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सर क्या हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड लेट करें या फिर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड लेट करें। अब मैं तो ये कहूंगा कि भाई साहब वो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पता करने के लिए बोल रहा है तो क्यों ना आप एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को लेट कर लो, क्वेश्चन तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को लेट करने से भी हो जाएगा बच्चा लोग, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन की लेट करो तो भी काम चलेगा, एक्सप्रेस की करोगे तब भी चलेगा, बट फिर मैं अगर ऐसे कह देता हूँ कि एक्सप्रेस की लेट करो तो आप कहोगे देखो सर थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर ज्यादा है, मतलब पैसेंजर ट्रेन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब स्पीड जो है वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड पे डिपेंड है, तो फिर आपकी बात गलत हो जाएगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है अपन पैसेंजर ट्रेन की स्पीड लेट कर लेते हैं। तो आप कैसे सोल्व करेंगे देखो भाई इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आप लेट करेंगे लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन,
ओके, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन क्या लेट कर लेता हूँ भाई, एक्स किलोमीटर पर आवर लेट कर लेता हूँ। ये वाली लाइन इरेज कर देता हूँ एक बार के लिए, मैं समझा दूंगा भाई, कोई बड़ी बात तो नहीं है इसमें। दैट इज एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की आपको एवरेज स्पीड के लिए क्या बोला है उसने, वो कह रहा है कि साहब पैसेंजर से 11 किलोमीटर ज़्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर, तो आप एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर लिख देंगे। आई थिंक ये बात भी ठीक है। नाउ ध्यान से सुनो, ये दोनों डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस ये दोनों कवर कर रहे हैं सर 132 किलोमीटर। अब क्या मैं यहाँ से टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन निकाल सकता हूँ, मेरे पास स्पीड है और डिस्टेंस है तो टाइम निकाला जा सकता है। सिमिलरली टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन भी निकाल सकते हैं, वेरिएबल पे डिपेंड हो जाएगी। फिर इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 आवर लेस। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम में से अगर देखो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कम होगा और पैसेंजर ट्रेन का टाइम ज़्यादा होगा, इसका कम होगा टाइम और इसका पैसेंजर का ज़्यादा होगा। तो ऐसे बोल सकते हो कि पैसेंजर ट्रेन की टाइम में से एक्सप्रेस ट्रेन ने जो टाइम लिया वो माइनस करोगे तो 1 आएगा आवर्स में। या फिर और कोई तरीका है, यस सर एक तरीका ये भी है कि एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम में +1 करोगे तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम आएगा, पैसेंजर ट्रेन के टाइम में से -1 करोगे तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम आएगा। बट हम ये वाला काम मिलेंगे क्योंकि हमें एक्स को एक साइड में रखना होता है, तो इसलिए। तो आप यहाँ पे टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन निकाल सकते हैं। पैसेंजर ट्रेन कैसे निकालेंगे सर, टाइम होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है एक्स है, नहीं, एक्स कैसे सर 132 है, मैंने कहा ओके भाई 132 डिवाइड बाय एक्स और आएगा आवर्स में, एंड टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन ने कितना टाइम लिया, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 132 डिवाइड बाय एक्स प्लस 11 आवर्स। आई थिंक ये ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है देखो ये वाली इन्फॉर्मेशन, पहली जो लाइन लिखी ना ये इन्फॉर्मेशन अब काम आ रही है, तो ये वाली वर्ड प्रॉब्लम्स को पूरा पढ़ना होता है फिर समझ के करना होता है, ठीक है ना, ये बात नोटिस कर लो आप। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स पैसेंजर ट्रेन का टाइम है उसमें से एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम माइनस करो, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कम होगा, तो आपके पास आंसर आएगा 1 आवर, क्योंकि बच्चा लोग ये भी आवर्स में ये भी आवर्स में, तो आवर्स माइनस आवर्स करोगे तो आंसर आवर्स में ही आएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 11, तो ये हो जाएगा 132 माइनस 132 मल्टीप्लाई, नहीं, ये ऐसे कैसे हो जाएगा सर, 132 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ बच्चा लोग, एक्स प्लस 11 के साथ, फिर माइनस 132 मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ। भाई साहब एक्स का डिवाइड एलसीएम में करोगे तो एक्स प्लस 11 बचेगा, तो एक्स के न्यूमरेटर से कौन मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस 11। सिमिलरली एक्स प्लस 11 का एलसीएम में डिवाइड करोगे तो एक्स आ रहा है, तो एक्स का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर मतलब 132 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल में क्या आ गया भाई लोग 1 आ गया। ओके, इसको यहीं पे सोल्व कर सकते हैं या नेक्स्ट स्लाइड पे सोल्व कर सकते हैं, तो मैं इसको नेक्स्ट पे कर लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आराम से करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर, देखो भाई आप यहाँ पे लिखेंगे क्या हो गया सर अपने पास 132 एक्स बन गया ऊपर, तो देखो ध्यान से प्लस 132 मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस 132 इंटू एक्स, यहाँ तक ठीक है। न्यूमरेटर डिवाइड में क्या भाई, डिवाइड में सर हमारे पास है एक्स इंटू एक्स प्लस 11 इक्वल में है 1। अब देखो 132x से 132x कैंसिल हो गया, और 132 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 11 से तो कितना आ रहा है 1452 आ रहा है, और डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल में 1 है, तो इस डिवाइड वाली चीज को इधर भेज सकते हो, तो ये हो जाएगा 1452 मल्टीप्लाई इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 11x, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो भाई ये ब्रैकेट मान ले और इसको आरएचएस में मल्टीप्लाई करेगा या क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लो कैसा भी तुम्हारा मन करे। अब यहाँ से इस 1452 को उधर भेजो तो यहाँ पे 0 बचेगा, इक्वल में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452, इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल में 0, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे एक्स की जो वैल्यू आएगी, पहले एक्स की वैल्यू आएगी फिर हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड के लिए एक्स प्लस 11 काट लेंगे। ओके, क्योंकि ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आगे वाले क्वेश्चनों में हेल्प करेगा तुम्हारी, ठीक है भाई। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड,
एक ट्रेन है वो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड पे। मान लो उसकी स्पीड है एक्स, तो यहाँ पे मेरे को कोई टाइम बता सकता है इसने कितना टाइम लिया होगा? सर टाइम को लेट तो नहीं कर सकते, बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाल सकता हूँ, 360 अपॉन x आवर्स। ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर आप इसी ट्रेन की स्पीड क्या कर दो, एक्स प्लस 5 कर दो, और ये इसी डिस्टेंस को कवर करेगी, तो मुझे बताओ अब जो टाइम लेगी वो क्या होगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा सर, 360 डिवाइड बाई x प्लस 5 आवर्स में आएगा। ओके, अब इन दोनों टाइम में से कौन सा टाइम ज्यादा, जल्दी बताओ मेरे को, सोचो टाइम ज्यादा कौन सा है। तो आपने कहा सर देखो स्पीड बढ़ाई है तो टाइम कम, स्पीड जो नॉर्मल थी उस पे जो टाइम लगा उसके कंपैरिजन में एक्स प्लस 5 स्पीड से जो टाइम लगा, मान लो ये T1 टाइम है ये T2 टाइम है, तो सीधी सी बात है कि T1 टाइम ज्यादा है T2 से। ये सुनो क्वेश्चन भी ये कह रहा है, अगर आप स्पीड बढ़ा देते हो मोर कर देते हो, इट वुड हैव 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, मतलब 1 घंटा कम लेगी। तो T1 टाइम में से अगर आप -1 करोगे तो T2 टाइम आएगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि T1 टाइम में से T2 टाइम माइनस करोगे तब 1 आएगा। भाई इस 1 को उधर ले जाओ, T2 को इधर ले आओ, एक ही बात है। या फिर कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है T2 टाइम में +1 आवर करोगे तो T1 टाइम आएगा, हम ये वाला टाइम काम में लेंगे क्योंकि अपने को तो इक्वेशन बनानी है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी था, वहां पे स्पीड कम कर रहा था यहाँ पे ज्यादा कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हमें कह रहा है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखा लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल एक्स किलोमीटर पर आवर। अब ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है भाई, डिस्टेंस कवर कर रही है सर ये 360 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे देयर फोर टाइम T1 ले लेता हूं मैं, इक्वल क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आप लिखोगे 360 डिवाइड बाय x आवर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड क्या हो गई भाई, अब स्पीड बढ़ गई है सर, वो हो गई है एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है भाई, सर इस सिचुएशन में भी वही डिस्टेंस कवर कर रही है 360 किलोमीटर। तो मैंने कहा यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, तो मान लेता हूँ इस टाइम को T2, तो यहाँ पे टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के अकॉर्डिंग 360 डिवाइड बाय x प्लस 5 आवर्स। अब अगेन लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 टाइम और T1 टाइम में से T2 टाइम माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 1 आवर आएगा। ओके, तो वैल्यू पुट करो और सोल्व कर लो भाई, ठीक है समझ में आ गया भाई? कोई भी डाउट अगर किसी पॉइंट पे आ रहा हो तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछो, ताकि मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकूं अपने आपके डाउट के अकॉर्डिंग। ओके, ये मत कहना कि सर क्वेश्चन नंबर 6 समझ में नहीं आया, तो फिर मैं इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन आपको कमेंट बॉक्स में तो नहीं कर पाऊंगा। तो आपने कहा T1 की वैल्यू है सर हमारे पास 360 डिवाइड बाई x, माइनस T2 की वैल्यू क्या है 360 डिवाइड बाई x प्लस 5, इक्वल क्या है 1, तो यहाँ पे बच्चा एलसीएम क्या आएगा x into x प्लस 5 आएगा, x का डिवाइड करेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, 360 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 5 से, माइनस x प्लस 5 का डिवाइड करोगे x बचेगा, 360 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, इक्वल में है 1, तो ऊपर मैं लिख सकता हूँ 360x प्लस, 360 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपके पास आ रहा है 1800। कितना आ रहा है बच्चा लोग, 1800 माइनस 360 को x से मल्टीप्लाई, तो 360x आ गया, डिवाइड में क्या हो जाएगा x से मल्टीप्लाई कर लो x प्लस 5 को, तो ये हो जाएगा x² + 5x, इक्वल में क्या है 1, तो देखो 360x से 360x कैंसिल, तो आपके पास आया 1800 डिवाइड बाय x² + 5x, इक्वल में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 किसके इक्वल आएगा x² + 5x, बच्चा लोग 1800 को उधर ले जा रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा x² + 5x माइनस 1800 इक्वल में 0, और दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है कि सर आपने इधर क्यों लिख दिए? तो मैंने कहा भाई इसको मैं उधर लेके गया, फिर दोनों को रोटेट कर दिया। ओके, इधर तो 0 बन गया था, और दोनों साइड को रोटेट करते हो तो साइन चेंज नहीं होते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है, सारे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।